गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर डेट इज मनी। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बार्टर सिस्टम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच वी एक्सचेंज टू गुड्स डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम दो गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं बगैर मनी के यूज किए हुए। ओके, एक एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दो पर्सन हैं, एक कोई पर्टिकुलर फार्मर है और दूसरा है ओनर ऑफ क्लॉथ मिल। ओके, फार्मर को क्लॉथ की ज़रूरत है और क्लॉथ मिल का जो ऑनर है उसको वीट की ज़रूरत है। इसका मतलब दोनों को एक दूसरे के गुड्स की ज़रूरत है। ओके, तो इस केस में जो फार्मर है वो फार्मर अपना वीट क्लॉथ मिल को दे देगा। सपोज फार्मर ने 5 kg वीट क्लॉथ मिल वाले को दे दिया और क्लॉथ मिल वाले ने अपना 5 meter क्लॉथ फार्मर को दे दिया। ओके, इस तरह से दोनों की जरूरत पूरी हो गई। फार्मर को जरूरत थी क्लॉथ की, तो फार्मर ने क्लॉथ मिल के ऑनर से 5 meter क्लॉथ लिया और क्लॉथ मिल का जो ऑनर है उसको जरूरत है वीट की, तो क्लॉथ मिल के ऑनर ने फार्मर से क्या ले लिया? वीट ले लिया। तो दोनों को एक दूसरे के गुड्स की जरूरत थी, तो दोनों ने एक दूसरे का गुड्स डायरेक्टली क्या कर लिया? एक्सचेंज कर दिया। फार्मर ने अपना वीट दे दिया और क्लॉथ मिल ने के जो ऑनर है उसने अपना क्लॉथ फार्मर को दे दिया, तो दोनों ने अपना गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिया। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच वी एक्सचेंज टू गुड्स डायरेक्टली बिटवीन द टू पर्संस विदाउट द यूज ऑफ मनी। क्लियर? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम क्लॉथ और वीट कोई भी दो गुड्स को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, ये है आपका बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का एक और नाम है C2C इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी का मतलब होता है कम्युनिटी टू कम्युनिटी इकोनॉमी, क्योंकि हम दो कम्युनिटीज को, दो गुड्स को आपस में डायरेक्टली एक्सचेंज कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम हो गया कम्युनिटी टू कम्युनिटी इकोनॉमी। ओके, तो इन शॉर्ट व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच वी एक्सचेंज टू गुड्स डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम दो गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं बगैर मनी के यूज किए हुए। ओके, ये उसी वक्त बार्टर सिस्टम पॉसिबल है जब दोनों को एक दूसरे गुड्स की क्या हो? वो जरूरत हो। फार्मर को जरूरत है क्लॉथ की और क्लॉथ मिल के ऑनर को जरूरत है वीट की, दोनों को एक दूसरे के गुड्स की जरूरत है, तभी दोनों एक दूसरे का गुड्स आपस में एक्सचेंज करेंगे। ओके, इसे कहेंगे बार्टर सिस्टम। अब इसी के अंदर एक और टॉपिक है, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया और फिर उसके बाद मनी का इन्वेंशन हुआ। अब हम देखेंगे बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी मेन डिफिकल्टीज थी। बार्टर सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट डिफिकल्टी थी वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट किसे कहते हैं? पहली बात, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, पहले बात ये क्या होता है? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स
both the person require the goods of each other. डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट का मतलब ये होता है कि दोनों पर्सन को एक दूसरे के गुड्स की जरूरत है. इसे कहते हैं डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट. व्हेन बोथ द पर्सन रिक्वायर द गुड्स ऑफ ईच अदर इट इज नोन एज डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट. फार्मर को क्लॉथ की जरूरत है और क्लॉथ मिल वाले को वीट की जरूरत है. दोनों पर्सन को एक दूसरे गुड्स की जरूरत है. इसे कहते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं. प्रॉब्लम है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स. अब लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, इसका मतलब क्या हुआ? इसी एग्जाम्पल को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, उससे आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी. सपोज फर्स्ट जनवरी को फार्मर ने अपना वीट 5 kg वीट क्लॉथ मिल वाले को दे दिया और क्लॉथ मिल का जो ओनर है उसने 5 meter क्लॉथ फार्मर को दे दिया. दोनों के गुड्स आपस में एक्सचेंज हो गए 1 January को. क्लियर? यहां बाटर सिस्टम पॉसिबल हो गया. लेकिन अब आगे देखते हैं, 1 February को जो क्लॉथ मिल का ऑनर है उसके पास 5 kg वीट खत्म हो गया. कब खत्म हो गया? 1 February को. एक महीने के अंदर, जनवरी में एक महीने के अंदर जो क्लॉथ मिल का ओनर है उसके पास 5 kg वीट खत्म हो गया. अब क्लॉथ मिल के ओनर को वीट की जरूरत है. कब जरूरत है? 1 February को. लेकिन फार्मर को क्लॉथ की जरूरत नहीं है. फार्मर ये कहता है कि जो जनवरी में मैंने 5 meter क्लॉथ लिया था मेरे लिए वो सफिशेंट है, अभी वही मेरे पास है. मुझे, फार्मर कहता है, मुझे अभी और क्लॉथ की जरूरत नहीं है. लेकिन क्लॉथ मिल के पास एक महीने के अंदर वीट क्या हो गया? वो खत्म हो गया. अब क्लॉथ मिल वाला 1 February को क्लॉथ मिल वाला कहता है कि मुझे वीट चाहिए, लेकिन फार्मर 1 February को कहता है कि मुझे क्लॉथ नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से क्लॉथ ऑलरेडी है. इस केस में क्लॉथ मिल वाले को वीट की जरूरत है लेकिन फार्मर को क्लॉथ की जरूरत नहीं है. अब एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, अब बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है, अब बार्टर सिस्टम फेल हो गया. इसे कहते हैं लैक ऑफ डबल कॉइंसिडेंस ऑफ वांट्स. लैक ऑफ डबल कॉइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब ये हुआ कि एक इंसान को जरूरत है और दूसरे इंसान को जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम गुड्स एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसमें बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है. जैसे इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि क्लॉथ मिल वाले को वीट की जरूरत है लेकिन फार्मर को क्लॉथ की जरूरत नहीं है. ठीक है, फार्मर वीट दे देगा लेकिन इसके बदले में क्लॉथ फार्मर लेना नहीं चाहता. ठीक है, तो फार्मर को क्लॉथ की जरूरत नहीं है लेकिन क्लॉथ मिल वाले को वीट की जरूरत है. इस केस में दोनों गुड्स आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाते, बार्टर सिस्टम इस केस में फेल हो जाता है. ओके, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स मींस व्हेन वन पर्सन रिक्वायर द गुड्स ऑफ सेकंड पर्सन बट सेकंड पर्सन does not need the goods of first person. In this case, we cannot exchange two goods directly. So, barter system is fail in case of lack of double coincidence of want. Okay, एक पर्सन को गुड्स की जरूरत है लेकिन दूसरे पर्सन को गुड्स की जरूरत नहीं है, उस केस में दोनों अपना गुड्स आपस में एक्सचेंज नहीं कर पाते, तो यहां बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है. इसे कहते हैं लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट. ओके, सेकंड प्रॉब्लम,
लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्लॉथ को तो हम डिवाइड कर सकते हैं 5 मीटर 6 मीटर में, वीट को, राइस को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते। अगर किसी की एनिमल हस्बेंड्री है, सपोज कोई मिस्टर ए हैं, उनके पास एनिमल है, उनकी एनिमल हस्बेंड्री है, और मिस्टर ए के पास सिर्फ और एक हॉर्स है। अब वो इस हॉर्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं। मिस्टर ए को हॉर्स के बदले में वीट चाहिए, किससे? मिस्टर बी से। सपोज मिस्टर बी जो है फार्मर है, मिस्टर सी जो है वो ऑनर ऑफ क्लॉथ मिल है, और मिस्टर ए की एनिमल हस्बेंड्री है। मिस्टर ए के पास सिर्फ एक हॉर्स है, और मिस्टर ए जो है वो एक हॉर्स के बदले में मिस्टर बी से, फार्मर से वीट लेना चाहते हैं, और यही मिस्टर ए मिस्टर सी से, यानी कि जो क्लॉथ मिल के ऑनर हैं, उससे क्लॉथ लेना चाहते हैं, लेकिन इनके पास हॉर्स एक है। अगर ये मिस्टर ए जो है वो अगर अपना हॉर्स मिस्टर बी को दे देंगे तो उनसे वीट तो ले लेंगे, लेकिन फिर क्लॉथ सी से कैसे लेंगे? अब मिस्टर ए जो है वो हॉर्स को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये इनडिविजिबल है, ठीक है। अब इस केस में मिस्टर ए जो है वो बी और सी से, दोनों से गुड्स नहीं ले सकते सिर्फ एक हॉर्स के बदले में, क्योंकि हॉर्स जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस केस में भी जो है वो बाटर सिस्टम क्या हो गया, वो फेल हो गया इसके अंदर। अगर मिस्टर ए के पास सपोज राइस होता तो मिस्टर राइस को आप डिवाइड कर सकते हो। अब यह बाटर सिस्टम पॉसिबल है, ठीक है। मिस्टर ए 5 kg राइस देते और मिस्टर बी से वीट ले लेते, 6 kg राइस मिस्टर सी को देते और इनसे 6 मीटर क्लॉथ ले लेते, तो बाटर सिस्टम यहाँ पे पॉसिबल था क्योंकि राइस को डिवाइड कर सकते। लेकिन मिस्टर ए के पास अगर सपोज एक हॉर्स है और मिस्टर बी मिस्टर ए जो है वो ये चाहते हैं कि एक हॉर्स के बदले में उनको मिस्टर बी से वीट भी मिल जाए और मिस्टर सी से हॉर्स के बदले में क्लॉथ भी मिल जाए, अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हॉर्स एक है और उसको आप दोनों में डिवाइड नहीं कर सकते। हॉर्स जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, इस केस में बाटर सिस्टम पॉसिबल नहीं है और यहाँ बाटर सिस्टम आपका फेल हो गया। इसे कहते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। क्लियर? लास्ट डिफिकल्टी, ये डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ टू सर्विसेज। हम दो गुड्स को तो एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन दो सर्विस को हम डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर लूं। We can exchange two goods directly without the use of money, but we cannot exchange two services directly without the use of money. हम दो services को directly exchange नहीं कर सकते। अब किस तरह से नहीं कर सकते, अब उसकी एक example देखिए। Suppose कोई एक doctor है, उस doctor के पास कोई एडवोकेट ऐसे पेशेंट आता है। अब डॉक्टर ने, अब जो एडवोकेट है सपोज वो एक ऐसे पेशेंट है और वो एडवोकेट डॉक्टर के पास आता है ऐसे पेशेंट। अब डॉक्टर जो है वो एडवोकेट को एग्जामिन करेगा, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, ओके। डॉक्टर अपनी सर्विसेज एडवोकेट को प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अब एडवोकेट इसके बदले में अपनी सर्विसेज डॉक्टर को प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्टर का कोई भी कोर्ट केस नहीं है, कोई भी मुकदमा नहीं है। तो अब डॉक्टर ने तो अपनी सर्विसेज एडवोकेट को प्रोवाइड कर दी, लेकिन एडवोकेट
अपनी सर्विसेज डॉक्टर को प्रोवाइड नहीं कर पाना, क्योंकि डॉक्टर का एज सच अभी कोई केस नहीं है और इन फ्यूचर में भी शायद मे भी ना हो। तो इसलिए अब दोनों की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज और एडवोकेट की सर्विसेज, दोनों सर्विसेज अब डायरेक्टली हैंड टू हैंड एक्सचेंज नहीं हो पा रही। तो यहां पे भी बाटा सिस्टम फेल हो गया। हम दो गुड्स को तो एक्सचेंज कर सकते हैं, वीट और क्लॉथ को तो एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सर्विसेज और एडवोकेट की सर्विसेज को, इनको हम डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो सो वी कैन नॉट एक्सचेंज टू सर्विसेज डायरेक्टली। इन दिस केस बाटर सिस्टम इज ऑल्सो फेल। ओके, तो बाटर सिस्टम की बहुत सारी डिफिकल्टीज थी जिनकी वजह से बाटर सिस्टम फेल हो गया और फिर मनी का इन्वेंशन हुआ। ओके, ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, मीनिंग ऑफ बाटर सिस्टम एंड डिफिकल्टीज ऑफ बाटर सिस्टम। ओके, थैंक यू।